Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about BSA means Bhartiya Saksha Adhiniyam. Guys, हमने आपके साथ पहले भी इसकी वीडियो जो थी हमने डिस्कस की थी, उस पर हमने जस्ट आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में क्या है, कब जिसकी कमेंसमेंट हुई थी, कब जो इन्फोर्समेंट में आई थी एंड उसके कितने पार्ट हैं. ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी थोड़ी सी सेक्शन के इंट्रोडक्शन के, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितने पार्ट है, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. अगर आपने हमारे पहले की वीडियो को वॉच नहीं किया तो गाइस प्लीज आप पहले की वीडियो को वॉच कर लीजिए. तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी. गाइस ये देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि भारतीय साक्षर अधिनियम 2023. गाइस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसका एक्ट नंबर है. एक्ट नंबर कौन सा है? 47 ऑफ 23. ठीक, तो इसके बाद हमारे क्या है गाइस, फोर पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. ठीक गाइस, फर्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट. इसमें क्या है, चैप्टर फर्स्ट है. किस चीज है चैप्टर फर्स्ट? प्रिलिमिनरी. इसमें सेक्शन कितने हैं? सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड. सेक्शन फर्स्ट किस चीज की बात करता है? शॉर्ट टाइटल की, कमेंसमेंट की. ठीक, एंड जो हमारा सेक्शन टू है वो किस चीज की बात करता है? डेफिनेशंस की. ठीक, आपको पता होना चाहिए चैप्टर फर्स्ट क्या है? प्रिलिमिनरी है. इसमें सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड है जो क्या बात करते हैं? शॉर्ट टाइटल की, कमेंसमेंट की. एंड जो सेक्शन टू है वो डील करता है डेफिनेशंस को लेकर. नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट टू. पार्ट टू में गाइस हमारा एक ही चैप्टर है, चैप्टर टू, जो डील करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट. मीन्स जब भी हम बीएसए की बात करें, बीएसए किस चीज को डील करता है? एविडेंस को. तो एविडेंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात क्या आएगी? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट. मीन्स कौन से फैक्ट रेलिवेंट है. ठीक है, तभी हम आगे बात करेंगे ना बीएसए की, एविडेंस की. इसमें बात आगी कि कौन कौन से फैक्ट जो है वो रेलिवेंट है, तभी अगर वो जो फैक्ट रेलिवेंट होंगे गाइस वो ही हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे. कोर्ट में वही फैक्ट जाएंगे जो रेलिवेंट है. जो इररेलिवेंट है उसको तो कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. ठीक, तो ये है हमारा पार्ट टू का चैप्टर टू. इसमें सेक्शन कितने हैं गाइस? सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक है. ठीक, आगे बात करते हैं पार्ट 3 की. पार्ट 3 किस चीज को बात करता है? ऑन प्रूफ. मींस जब हमें पता चल गया कि भाई ये वाला क्या है, हमारा बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. अब इसमें क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या एविडेंस इसमें आते हैं वो भी हमें पता चल गया. फिर हमारा आ गया चैप्टर टू पार्ट टू का. उसमें क्या है कि भाई कौन कौन से फैक्ट जो है हमारे रेलिवेंट है, जिसको हम कोर्ट में समअप कर सकते हैं. ठीक, उसके बाद क्या है भाई, पार्ट 3 आ गया. किस चीज की बात करता है? ऑन प्रूफ. मीन्स कौन कौन सी चीजें प्रूफ हो सकती है. ठीक, इसमें हमारे कितने चैप्टर है गाइस? इसमें हमारे 4 चैप्टर है. ठीक, चैप्टर 3 किस चीज की बात करता है? फैक्ट विच नॉट प्रूव्ड. ठीक, जो फैक्ट है जो नॉट प्रूव्ड, प्रूव करने की नहीं हो सकता, जो नहीं कर, नॉट प्रूव्ड है. ठीक, इसमें क्या है? सेक्शन 51 एंड 52, 53. मींस इसमें 3 सेक्शन है, 51 टू 53. आगे बात आ रही है गाइस, यहां पर आगे फैक्ट नॉट प्रूव्ड की बात आ गई. फिर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट मींस जो ऑरल एविडेंस है, किसी ने कोई बात देखी जिसे पता है, ठीक, उस चीज के बारे में जो वर्बली बोलकर आके बता रहा है वो क्या है गाइस? ऑरल एविडेंस. इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, ऑरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, इसलिए यहां पर कंप्लीट करने के बाद. ठीक, ऑरल एविडेंस में अगर हम बात करें सेक्शन 54 टू सेक्शन 55. ठीक, आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री चैप्टर 5. डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट कोई प्रोड्यूस करना होता है. ठीक, कोई भी हमने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, जैसे कि कोई भी हमारा सिविल सूट है, क्रिमिनल सूट है, उसके रिगार्डिंग कोई भी मैटर है, उसके रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट हो. ठीक, ये क्या है सेक्शन 56 टू 93 आ गया. फिर आगे हमारा चैप्टर 6 एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस एंड हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ये है 94 टू लेके 103 सेक्शंस. ओके, तो नाउ टॉक अबाउट ओनली पार्ट 4, क्योंकि हमारा भी पार्ट 4 ही रह गया.
तो इस पर हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें क्या है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। जो भी हमारे एविडेंस है जो प्रूफ हुए हैं उसे कोर्ट में प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना एंड उनका एविडेंस का क्या इफेक्ट है, ये कहां पर बताया गया है, हमारे पार्ट फोर्थ में। तो गाइस इसमें पहले अगर हम बात करें चैप्टर सेवन की, बर्डन ऑफ प्रूफ मींस, अगर तो ये है प्लेंटिफ है, ये है डिफेंडेंट, ये कंप्लेनेंट है, ये अक्यूज है। क्योंकि जो हमारा बीएसए है गाइस, ये दोनों लॉ के ऊपर, सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल करता है। ठीक, इसका यही है कि अगर किसी ने कोई सिविल सूट फाइल किया, अगर किसी ने कोई क्रिमिनल सूट फाइल किया, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर होगा, प्लेंटिफ के ऊपर होगा, या रिस्पोंडेंट के ऊपर होगा, कंप्लेनेंट के ऊपर होगा, या अक्यूज के ऊपर होगा। ये चीजें कहां पर है गाइस, ये हमारे यहीं पर बताई हुई है पार्ट फोर में, जो डील करता है चैप्टर सेवन बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 104-120। इसके बाद बात हो रही है चैप्टर एट की, जो किस चीज को डील करता है, इस्टॉपल को, सेक्शन 121-123। ठीक, आगे बात आ रही है गाइस विटनेसेस की। विटनेस क्या होते हैं, जो भी किसी भी मैटर को लेके गवाह होते हैं। ठीक, जो भी विटनेस चाहे वो सिविल केस के हो चाहे वो क्रिमिनल केस के हो, 124-139। इसके आगे क्या बात हो रही है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ठीक, यहां पर तो विटनेस पेश हो गए। ठीक, इसमें बाद में क्या है एग्जामिनेशन, इनका क्रॉस एग्जामिनेशन मींस दूसरे एडवोकेट इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। ये क्या है सेक्शन 142-168। इसके बाद बात हो रही है भाई चैप्टर 11 की, इम्प्रॉपर ऑफ एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। मींस कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जिसने तो कोर्ट एडमिशन एडमिट करती है, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोर्ट रिजेक्ट भी करती है। ठीक, तो ये क्या है सेक्शन 169। उसके बाद क्या बात हो रही है भाई चैप्टर 12 की, इसमें क्या है रिपील्स एंड सेविंग, इसमें हमारा 170 है। ठीक, इसमें गाइस हमारे टू शेड्यूल्स भी है। ठीक भाई, एक चीज हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, अभी जब भी हमारा कोई भी सिविल मैटर हो क्रिमिनल मैटर हो तो गाइस हम आपको बताते हैं कि थोड़ा सा उसमें क्या होता है, एविडेंस होती कैसे है कोर्ट में। सबसे पहले तो ये देखिए, हम देखते हैं कि एविडेंस, हम जब भी कोई भी मैटर हो चाहे आपका सिविल मैटर हो चाहे आपका क्रिमिनल मैटर हो, ये है ए, ठीक, यहां पर इनके नाम ही रख लेते हैं, ये राम है, ठीक, ये है प्लेंटिफ, ये श्याम है, जे है रिस्पोंडेंट। ठीक, अभी इन दोनों में कोई भी सिविल मैटर किसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हुआ है। ठीक, इसने क्या किया, सूट फाइल किया, सूट फाइल होने के बाद क्या है, इसने प्लेंट फाइल कर दी। ठीक, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, एविडेंस कैसे होंगे, जो भी इसने सूट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मींस सूट फॉर डेक्लारेशन, सूट फॉर डेक्लारेशन इसने किया है। इसके प्लेंटिफ के जो भी विटनेसेस होंगे इसके फेवर में क्या करेगा, ये कोर्ट में विटनेस प्रेजेंट करेगा कोर्ट में, ये कोर्ट है। ठीक, यहां पर क्या है, इसके विटनेस कौन है, ए बी सी एक्सेट्रा। सिविल मैटर में क्या होगा गाइस, ये इन सबका वन बाय वन क्या होगा गाइस, ये बताएगा कि इनका मेरे साथ क्या रिलेशन है, एंड इनका सब पर्सन का एफिडेविट बनेगा। ठीक, अगर इसमें क्या है गाइस, अगर तो हमारा जो एफिडेविट है, ठीक, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट, हम कोई फोटोग्राफ निकलवाते हैं या फिर कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, तो गाइस उसका पहले लगता था पेंट बी का सर्टिफिकेट, ठीक, इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब है हमारा सेक्शन 63, आई थिंक यही वाला है, अब एक बार चेक कर लेना। ठीक, इससे क्या होगा कि हम उनको बताते हैं एफिडेविट के साथ उस चीज को अटैच करते हैं कि भाई हमारा ये वाला एफिडेविट है, हमने जो भी चीजें चाहे हमारी कोई फोटोग्राफ्स है चाहे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एविडेंस है, जो जैसे का वो एज इट इज वैसे ही है, इसमें हमने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं की है। तो ठीक, ये है हमारा सिविल मैटर का। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब हम एफिडेविट पे प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में, तो गाइस
एक कॉपी दूसरी पार्टी को भी, डुप्लीकेट कॉपी दूसरी एडवोकेट को जाती है, ऑपोजिट एडवोकेट को। तो जब उनके पास कॉपी जाती है तो गाइस वो इस एफिडेविट को रीडिंग करने के बाद इन पर्सन का क्रॉस करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक, ये है हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके, इसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्डेंट सेम ऐसे ही चलेगा। ठीक, अब बात करते हैं जो भी इसका कंक्लूजन होगा वो जजमेंट होगी। सारे मैटर का जब इन दोनों की प्लेंटिफ की रिस्पॉन्डेंट की जो एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा गाइस, उसके बाद दोनों चीजों को देखकर आर्गुमेंट होगी, आर्गुमेंट के बाद जजमेंट फिर होती है। ठीक, प्रोनाउंस होती है। थोड़ा सा देखते हैं यहां पर कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड, इसमें क्या है, जब भी कोई क्रिमिनल मैटर होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जब चालान पेश होता है उसी में पता चल जाता है कि भाई कौन कौन से विटनेसेस हैं, स्टेट की तरफ से कौन कौन से हैं, जो भी हमारे आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर कंप्लेनर की तरफ से किस किसने स्टेटमेंट दी है, वो सारे के सारे चालान में ही गाइस एड ऑन हो जाते हैं। जब चालान पेश होता है गाइस तभी पता चल जाता है कि हाँ भाई चालान में पता चल जाता है कि कौन कौन से एविडेंस विटनेसेस सॉरी हो रहे हैं। ठीक, उसमें भी सेम क्या होता है, उसमें थोड़ा सा कोई भी ऐसे कॉपी वगैरह एफिडेविट भी हो सकता है, बट एफिडेविट नहीं होता। उसमें क्या होता है, मोस्टली चालान पेश हो गया, चालान में लिखे होते हैं कि भाई कौन कौन से आपके विटनेसेस हैं। उसके बाद क्या होता है, जब जो भी विटनेसेस आता है, चाहे मान लो कंप्लेनेंट आ गई, चाहे आ गया, ठीक, कोई भी कंप्लेनेंट हो, उसका क्या होगा गाइस, चीफ होगा, उसका जो भी उसके साथ हुआ है, उसने क्यों कंप्लेंट मूव की है अक्यूज के अगेंस्ट, तो वो क्या है गाइस, वो चीफ हो जाएगा, वो कोर्ट में स्टेनो के द्वारा लिखा जाएगा या फिर लोकल कमिश्नर के द्वारा, जहां रीडर भी केवल लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद जो चीफ लिखा जाएगा उस चीफ की को देखने के बाद, ठीक, ऑपोजिट जो एडवोकेट है, ऑपोजिट जो एडवोकेट है वो उसका क्या करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके, यही चीज है। तो सेम जैसे कंप्लेनेंट का हुआ है प्रोसिक्यूशन एविडेंस जिसे हम बोलते हैं स्टेट की तरफ से, उसके बाद जब रिस्पॉन्डेंट अक्यूज्ड की टर्न आती है तो अक्यूज्ड की तरफ से भी फिर क्या है, विटनेसेस होते हैं। यही पर्पस है ऐसे। ठीक, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ऑरल एविडेंस क्या होती है, कि मान लो किसी का यहां पर मर्डर हुआ है। ठीक, अभी उनको कंप्लेनेंट को होता है ऐसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई किसने मर्डर किया, आपने कब देखा, कैसे देखा, कहां पर हुआ। ठीक है, वहां पर कोई मान लो ये इसका क्या लगता है, अक्यूज उसके अगेंस्ट मान लो उसने बोला कि हाँ इनमें अभी ठीक राम एंड श्याम में कोई डील थी। ठीक, वो बोलेंगे कौन सी डील थी, किस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डील थी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास रिटर्न फॉर्म में है या नहीं है। ठीक, कोई भी चीज है, मीन्स जो भी कोई डॉक्यूमेंट होंगे, चाहे आपका कोई भी सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, अगर सिविल मैटर है तो उसमें प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक, वो चीजें, तो जो भी पर्सन उस चीजों को लेकर, मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आया, उसे पूछ रहे हैं कि आइए आपके सिग्नेचर है, आइडेंटिफाई करें, वो बोला यस, ये क्या है आपका ऑरल एविडेंस है। डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या होता है, कि जो आप एज ए डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो। ठीक, इतना सा डिफरेंशिएट है इसमें। तो भाई एक चीज इसमें आप और देखो ध्यान से गाइस, हम ये देखो, हम एफर्ट्स आपके लिए लगा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां तक हमारा कंफर्म हो गया। इसके बाद क्या है, जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ। भाई अभी से ऐसे कर दे रही हूं मैं, हैंड राइटिंग पर मत जाना, हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, आई नो। ठीक, तो इस पे यही है, सब्सटेंटिव लॉ क्या है, जो आपके लीगल राइट्स होते हैं, ठीक, उनका वॉयलेशन होता है, वो रेमेडी जो होती है उसको आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया, ठीक,
या फिर किसी ने कोई थेफ्ट की है, तो आपको पता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं इसका क्या है, इसके अगेंस्ट मैं कोर्ट में सॉरी इसके अगेंस्ट मैं कोई भी FIR करवा सकता हूँ या कुछ भी, क्यों क्या है मुझे मेरा राइट है उसका वायोलेशन हुआ है तो मैं रेमेडी क्लेम कर सकता हूँ। ठीक, तो ये कहां पर है भाई, ये क्या है हमारा IPC, ठीक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारा BNS भारतीय न्याय संहिता। अब इसको वो रेमेडी आपको कैसे मिलेगी, मान लो मर्डर भी हुआ है किसी का, तो उस मर्डर का तो पता है भाई हो गया, इसमें कैसे लिखा है BNS में लिखा भी, हाँ अगर कोई मर्डर करता है तो उसकी 5 साल की, जब गाइस इसकी मुझे भी पनिशमेंट नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल बुक कर रही हूँ, इसकी कुछ भी पनिशमेंट है कि भाई इसे कितने भी साल की पनिशमेंट है, ठीक, तो इसमें क्या है भाई उसका प्रोसीजर जो है वो कहां पर मेंशन है भाई, वो है हमारे CRPC में या हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ठीक, ये प्रोसीजर है जो एविडेंस है, ठीक, इसके रिगार्डिंग जो भी एविडेंस है, कौन से एविडेंस रेलिवेंट है, कौन से एविडेंस रेलिवेंट नहीं है, कौन से एविडेंस को आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो, कौन से एविडेंस को आप कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, वो कहां पर बताया गया है हमारे एडजेक्टिव लॉ में। एडजेक्टिव लॉ कौन सा है, भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। ठीक गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके थोड़े छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जो आपके जुडिशरी में भी काम आएंगे, तो इसमें एक चीज ये भी ध्यान में रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है जुडिशरी में भी, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो BSA है, ठीक, अगर तो वहां पर आ रहा है कि प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक, तो आप इसे क्या करोगे, एक प्रोसीजर ही बताओगे। ठीक, अगर इनमें से आपको एडजेक्टिव का भी ऑप्शन आ रहा है तो गाइस फिर आप एडजेक्टिव को ही टिक करोगे। ओके, एक बात आपको और बता दे रही हूं गाइस, ये देखो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ एंड प्रोस्पेक्टिव लॉ। ठीक, मैंने आपको पहले बताया रेट्रोस्पेक्टिव लॉ वो होते हैं जो हमारे ओल्ड लॉ होते हैं, जैसे कि हमारा IPC, CRPC, फिर दूसरा कौन सा थर्ड है, इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रोस्पेक्टिव मींस जो फ्यूचर वाले हैं, BSA, BNSA भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक, ये वाले, इसे आप थोड़ा सा देख लेना, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ वो वाले होते हैं जो हमारे प्रीवियस लॉ हैं, जो हमारे 1 जुलाई से पहले जो भी हमारी केस पेंडिंग है उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। प्रोस्पेक्टिव लॉ वो हैं जो हमारे अब जो हमारे 1 जुलाई से बाद जो नए लॉ है, मींस फ्यूचर वाले। हमने आपको ट्रिक भी बताई थी ये वाली, प्रोस्पेक्टिव मींस फ्यूचर मींस फ्यूचर वाले, ये आप अपने के लिए एक ट्रिक बना लो। ठीक गाइस, स्टडी कोई टफ चीज नहीं है, इसे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी। ठीक, अगर आपको गाइस हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, एफर्ट्स कैसे लगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।